बिस्मिल्लाहिर्रहमान। जैसे कि मैं सैयद अमजद शाह एक न्यू वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कि एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा टॉपिक है कि एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन हम समझते हैं कि डिफ़िकल्ट आते हैं, मगर वो ऐसे लॉजिकली क्वेश्चन होते हैं जिसमें लॉजिक होता है, जिसको हम समझते हैं कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। इसमें तो कम से कम 3 मिनट या 4 मिनट लगेंगे सॉल्व करने में, फिर आंसर आएगा। पर हमारा ये जो कॉन्सेप्ट ये गलत है, वो क्वेश्चन कम से कम 30 सेकंड में या 1 मिनट में हम सॉल्व करते हैं कर सकते हैं, अगर हमें पता हो कि इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। उसकी ट्रिक आनी चाहिए हमें। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, सपोज करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट, ये कंडीशन मिली हुई, इफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है नल सेट है, तो B डिफरेंस A क्या होगा। अगर सपोज करें हमें क्वेश्चन मिला हुआ है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू C, देन B डिफरेंस A और हमें B मिलाओ, सपोज करें B इज इक्वल टू, ये कंडीशन मिली हुई है हमें। अगर हमें इसके वैल्यू दिए तब वैल्यू के बगैर हम सॉल्व करते हैं देखते देखते। अब पता है ए इंटरसेक्शन बी नल सेट है, तो मतलब जो ए के एलिमेंट है ना वो बी में है ना ही बी के एलिमेंट ए में है, मतलब ए और बी के एलिमेंट डिफरेंट है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी का जब नल सेट आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी में मीनिंग क्या है, जो एलिमेंट ए में भी कॉमन हो और बी में भी कॉमन हो, तो तब हम वो जो एलिमेंट लेते हैं तब ए इंटरसेक्शन बी का जवाब कोई आता है, जो दोनों में कॉमन होता है वो आंसर आता है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं इसलिए नल सेट आया है। तो अगर बी डिफरेंस ए है, मतलब जब क्या करते हैं जितने भी ए के एलिमेंट हैं हम बी में से कट करके जो बी में बचते हैं एलिमेंट वो रखते हैं, मतलब तो इन दोनों में तो कॉमन कोई है ही नहीं, इसलिए जो फर्स्ट होगा आंसर वही आएगा बी। ये कितना सिंपल क्वेश्चन था और हम मतलब तो घबरा जाते हैं कि यार ये कौन सा क्वेश्चन है, इसमें तो मिला ही नहीं है कि ए के कौन से एलिमेंट है और बी के कौन से एलिमेंट है, बड़ी बात है दिए नहीं, पर मत ऊपर कंडीशन दी हुई ए एंड सी बी नल सेट है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हम नहीं कर पाते। और दूसरा एक कॉमन क्वेश्चन होता है आयोटा का, लिखता हूं आयोटा, आयोटा पावर 4 हो, आयोटा पावर 8, आयोटा पावर 100। अब इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, हमारे पास ट्रिक है, आप 4 की टेबल लगाएं, अगर 4 की टेबल मिस कंप्लीट लग जाए तो आंसर 1 आएगा। अगर आप 4 टेबल लगा रहे हैं और एक 1 फर्स्ट लेटर मीन फर्स्ट एक जो नंबर है वो बच रहा है, तो हम रखेंगे उसके आयोटा, मीन्स ये मैंने इसका 4 टेबल कभी लग जा रही 4, अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 फ्रॉम कैंसिल आएगा आंसर आएगा 1, मीन्स इसका आयोटा पर 4 का आंसर क्या आएगा 1 आएगा, आयोटा 4 का क्या आंसर आएगा 1 आएगा। इसको प्रूफ कर सकते हैं, आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है, तो हम इसको आयोटा पावर 4 को लिख सकता हूं मैं आयोटा स्क्वायर पावर होल स्क्वायर, ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर का आंसर क्या होता है -1, -1 पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मैंने क्या कहा कि आयोटा के ऊपर जितना भी पावर हो आपको 4 टेबल लगानी, अगर 4 की टेबल कंप्लीट लग जाए तो आंसर क्या आएगा 1, मैंने कहा ना 4 से डिवाइड करने से या 4 से डिवाइड करें जो पावर है उस 4 से डिवाइड करें जो आंसर आए, मींस जो जितने नंबर बचे अगर कभी लग जाए तो 1, अगर 1 बचता है
तो उसके लिए आयोटा, अगर दो बजते हैं तो माइनस वन, अगर तीन बजते हैं तो माइनस आयोटा, कभी लग जाए तो फिर वन। दूसरा प्रॉब्लम, इसको प्रूव, पावर को आयोटा पावर 100, इजी है, डिवाइड करें 4 के साथ जो पावर है 100 पावर 4, 4 1 2 2 जा 4 2 एंड 2 इधर से ले गए 20, 4 टेबल लगेगी 4 पर, तो मींस इस पर कंप्लीट लग गया 25 मतलब 25 मतलब 4 ने डिवाइड किया 100 को, मींस कंप्लीट टेबल लगी, तो इसका जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। अब हम इसको प्रूव करते हैं, इसका क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। कैसे 1 आया, अगर हमें टेबल लगाई, टेबल बात पढ़ने की हम चाहते हैं कि हम अपने जो माइंड है उसको क्लियर करें, तो कैसे, आयोटा को स्क्वायर रखें, आयोटा स्क्वायर और 50, अगर 50 डिवाइड इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सर क्या 100 आएगा, 50 इंटू 2 100 आ गया, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर आपको पता है कि किसके बराबर है, माइनस वन, माइनस वन पावर 50 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर आयोटा पावर 5 हो, सपोज कि आयोटा पावर 5 है, अगर आप 5 पर टेबल लगाएंगे 4 की, तो 4 की कंप्लीट जाएगी नहीं जाएगी, मींस 1 लेटर, एक लेटर की 1 नंबर बचेगा, इसलिए आंसर क्या आएगा, आयोटा। मैंने आपको लिखा है कि अगर एक बच जाए तो आयोटा आएगी, कैसे आएगी, चलो मान प्रूव करते हैं, आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर, ये 4 डिवाइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एक बचेगा इंटू आयोटा, सही, ये 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5 आ गया, मैंने क्या कहा आयोटा पर 5 जो है 1 हो, आयोटा के बराबर है। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर जो है यहाँ पर रखें माइनस 1 स्क्वायर इंटू आयोटा, ठीक है, आयोटा जो स्क्वायर ये हो जाएगा 1, 1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा, जो आप क्या आ गया आयोटा। अगर इसकी पावर 6 होता, 6 तो 4 टेबल लगाते तो आंसर क्या आता, माइनस 1 होता, क्यों माइनस 1 आता, क्योंकि आयोटा पर 6 4 टेबल लगाएंगे तो 2 बचेंगे, और 2 बचेंगे तो जवाब आंसर क्या है, माइनस 1। अगर इसकी पावर 7 होता तो हम 4 टेबल लगा दें तो 3 बचते, ठीक है, 3 बचते तो माइनस आयोटा आंसर आता। तो ये आज की मेरी ट्रिक थी आयोटा पर, और दूसरा एक क्वेश्चन लिखा था मैंने सेट के चैप्टर से, तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद ऐसी वीडियो मेरी आएंगी जो इससे कंसर्न होगी कि इंटर टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं उनको एक सेकंड में, सेकंड नहीं 30 सेकंड में, एक मिनट में किस तरह से सॉल्व किया जाते हैं। खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह ताला मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इंशाल्लाह ताला मेरे दूसरे ऐसे वीडियो जल्द आएंगे। खुदा हाफिज़।